नमस्कार, मैं परविंद कुमार वर्मा आप लोगों के बीच पुनः बीएड स्पेशल एजुकेशन के फोर्थ सेमेस्टर का एक पेपर कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के प्रकरण पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि ये जो वीडियोग्राफी है, चाहे एक जो वीडियो लेक्चर है, वो हम ऑनलाइन डिमांड स्टूडेंट ही होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है उसके इतर भी जा करके उसके अंतर्गत जो बातें हैं उस पर और गहनता से आपकी समझ बढ़े, उस समझ को और बढ़ाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका एंजॉय करेंगे। मैं आप लोगों के बीच जो प्रकरण लेकर के आया हूँ, उस पूरे प्रकरण को समाप्ति के बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि आप कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं समुदाय आधारित पुनर्वास, इसके अंतर्गत आप उसके परिभाषा, संप्रत्यय और उसके जो सिद्धांत हैं इससे परिचित हो जाएंगे। और पूरे प्रकरण के बाद आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप में परिवर्तन आएगी। और चूँकि ये जो विषय है केवल सिद्धांत का नहीं है, ये व्यवहार का विषय है। आप इसको जितने अपने व्यवहार में लाएंगे, निश्चित रूप से आप उसको महसूस करेंगे और यही आपकी महसूस ही आपके अधिगम में परिवर्तन लाएगा। तो हम कैसे इस प्रकरण को देखना चाह रहे हैं और प्रकरण को कैसे देखेंगे, ये आपके फोर्थ सेमेस्टर का जो ब्लॉक वन है उसका यूनिट वन, जिसमें क्या है, कंसेप्ट, डिफिनीशन एंड प्रिंसिपल ऑफ CBR मतलब कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। इसके अंतर्गत हम ये देखना चाह रहे थे कि होता क्या है। सबसे अगर मैं ये बात बोलूँ आपसे कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन होता क्या है, तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। तो कम्युनिटी से आप लोग समान तरीके से परिचित होंगे कि समुदाय का मतलब कि एक ही क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों का एक जनसमूह जो आपस में मिलकर रहते हैं, ये समुदाय हो गया। आधारित क्या है, जो समुदाय पर आधार हो। और पुनर्वास, देखिए तीनों शब्द के अपने अपने मायने हैं। पुनर्वास का मतलब समझिए कि पुनर्वास, इसमें वास और पुनर् शब्द जो आ रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि वास और पुनः, तो दोनों के अंतर्द्वंद को समझिए कि या फिर पहले से वो स्थापित रहा होगा या वो पहले से स्थापित नहीं रहा होगा, तब हमको पुनः उसको स्थापित करना है, तो पुनर्वास हो गया। लेकिन जैसे ही हम पुनर्वास की बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर आता है कि पुनर्वास केवल विकलांग का, केवल दिव्यांग का नहीं, पुनर्वास हम जैसे आम जन लोगों का भी हो सकता है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, चाहे जिस भी रूप में वो समाज के मुख्य धारा से या समाज के लोगों से या समाज की प्रक्रिया से वो बाहर है। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि वो बाहर क्यों है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे किसी एक समुदाय के वर्ग को देखते हैं, चाहे एक जाति विशेष को देखते हैं, चाहे एक धर्म को देखते हैं, किसी भी रूप में अगर वो समाज की प्रक्रिया से बाहर है तो क्यों है, इस पर जब हम मंथन करते हैं तब हमें आता है कि नहीं, हमें इसको पुनर्वासित करने की ज़रूरत है। आप कभी महसूस करिएगा कि आप कहीं जा रहे हों और आपको वो स्वीकृति नहीं मिल रही है जिस स्वीकृति से अन्य लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि पुनर्वास की कितनी ज़रूरत है। हम अपने समाज में, आज के दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, अगर उसमें कोई दिव्यांगता को ही एक हम प्रकरण मान लें, तो उस आधार पर अगर कोई व्यक्ति आपसे बाहर है, तो सोचिए कि उस व्यक्ति के जेहन में, उस व्यक्ति के अंतर में क्या आता होगा कि मुझे, मेरी क्या गलती है कि मैं आपसे अलग हूँ। आपको ये चाहिए कि आप उसको किस प्रकार से सहयोग दें ताकि वो आपसे जुड़ पाए और आपसे जुड़ करके वो अपने बात को अपने हिसाब से आप तक पहुंचा पाए और अपना योगदान समाज में उसी प्रकार से दे जैसे अन्य लोग देते हैं। सबकी इच्छाएं लगभग समान होती हैं एक मानव के रूप में, लेकिन जब उसकी कार्य क्षमता की बात आती है तो सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन उनकी कार्य क्षमता के अलग होने के कारण उनको समाज की मुख्य धारा से, चाहे उस कार्य से विलग नहीं किया जा सकता है जिस कार्य में सभी लोग अपनी प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी करते हैं। तो इस रूप में पुनर्वास जो शब्द है वो 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा ये बात आई कि हम अब समाज के ऐसे लोगों को हम समाज में पुनः स्थापित कर लेंगे जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं। देखिए दो तीन पॉइंट्स पे आप लोगों को केयर करना पड़ेगा कि कैसे एक व्यक्ति समाज से बाहर है और कैसे उसको जोड़ना है। ये सारे प्रकरण पर आपको ये देखना है कि एक व्यक्ति जो समाज में किसी भी रूप में बाहर है उसको हमको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। इसके लिए ऐसा नहीं कि हम ही लोग कर रहे हैं, WHO ने बहुत ही संगठित और सुव्यवस्थित परिभाषा दिया है कि हम पुनर्वास किसको समझें।
पुनर्वास के रूप में हम किसको कहें कि नहीं आप अब पुनर्वास हो चुका है, या पुनर्वास के रूप में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि नहीं अगर मैं पुनर्वास आपको कर दूं तो आप में क्या परिवर्तन आएगा, चाहे किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। उस चीज़ को हमें समझने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए WHO की दो तीन पॉइंट्स पे आप केयर करिए कि इसमें उन्होंने बता रखा है कि कैसे ये चीज़ें हैं। उसमें अगर आप कर लेते हैं तो आप में फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शनल लेवल, ये सारी चीज़ें आपके व्यवस्थित हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी, तब तो आप पुनर्वासित हैं। आपका केवल ये काम नहीं है कि एक बच्चा जो आपके समाज की मुख्यधारा से अलग है और उसको आप उठा करके उसमें बैठा दिए, आपका काम समाप्त हो गया। नहीं, ये पुनर्वास नहीं है। हर वो व्यक्ति जो किसी अपने कारण या समाज के कारण या समाज में रहने वाले लोगों के कारण अगर अपने आप को अलग महसूस कर रहा है तो उसको आपको उसमें जोड़ना है, पुनः उसको स्थापित करना है कि नहीं आप अलग नहीं हो, आप केवल किसी रूप में अलग हो। जैसा मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप इस रूप में अलग हो सकते हैं लेकिन आपकी जो खुद की क्षमता है, आपकी जो ऊर्जा है, वो निश्चित रूप से हम लोगों के बीच की ही है और हम लोगों के जैसी ही है। इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक पुनर्वास करना इतना आसान काम नहीं है। जब हम बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक समाज में व्यक्ति है और वो किसी कारावास के कारण समाज से अलग हो गया, देखिए कैसी नेगेटिविटी हमारे समाज में फैल जाती है कि अगर एक व्यक्ति किसी सजा के कारण, किसी गलती के कारण अगर किसी जेल में बंद हो गया, अगर वो पुनः वापस आना चाहता है सोसाइटी में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि लोगों की धारणा उसके प्रति कैसे बनती है। आप उस धारणा को समझिए कि अगर किसी गलती में, अनजाने में अगर ऐसा कृत्य वो कर दिया, क्या वो पुनः उस तरीके का नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस हमें आपको सहयोग करने की ज़रूरत है। अगर हम उसको सहयोग दें कोई बात नहीं, आप ये छोटी सी गलती किए थे लेकिन उस गलतियों से हमें सीखना है। आप उस गलती को पुनः दोहराएंगे और फिर बोलेंगे सर मुझे फिर से पुनर्वासित करिए, तो ये पुनर्वास की प्रक्रिया नहीं है। आप किसी अनजाने में किसी भी कारण से अगर आप गए हो जो सामाजिक स्वीकृति के बाहर है, आप पुनः सामाजिक स्वीकृति पाना चाहते हैं, तो ये पुनर्वास आपके लिए उपयोगी है। अदरवाइज केवल और केवल एक पन्ना पलटने जैसा हो जाएगा कि अच्छा ये है ऐसा काम कर गए तो चलो ये कर लो, ये है ऐसा काम कर गए तो ये कर लो, इसको पुनर्वास नहीं बोलेंगे। इस पर हमें मंथन की जरूरत है कि अगर हम व्यक्ति को पुनर्वासित कर दें तो ये निश्चित हम कैसे करें कि अब ये उसी तरीके का कार्य करेगा जैसा हम चाहते थे। ये कोई जरूरी नहीं है, मानव है, गलतियां करना उसका स्वाभाविक है, उसके प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन हम उनकी गलतियों को कैसे सुधारें या उनकी जो क्षमता है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको सकारात्मक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करें, ये हमारे कार्य होने चाहिए। इस पर WHO, UNO बहुत लोगों ने मिलकर के और जो NGO, भारत सरकार, राज्य सरकार सभी लोग मिलकर के अपना एक संगठनात्मक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस संगठनात्मक प्रयास में कुछ न कुछ ऐसी चूक रह जाती है, ऐसी ऐसी समझ रुक जाती है जिससे कि वो होना नामुमकिन लगने लगता है। लेकिन नहीं, हमें इस चीज़ को और समझने की ज़रूरत है कि ये परिभाषाएं हैं, उसको और भी अपने हिसाब से आप ढाल सकते हैं और उसमें आप बता सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को हम कर पाएँ। और जब हम बात करते हैं कि नहीं हमें कैसे जो हम पुनर्वास की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, आप पुनर्वास क्यों करना चाह रहे हैं, एक छोटा सा प्रश्न होता है कि हम पुनर्वास क्यों करें, तो पुनर्वास इसलिए करें कि लोगों में जागरूकता आए कि आप मानव हैं, आपसे गलती होगी, आपकी गलती आपको केवल समाज से अलग नहीं करेगी, आपकी गलती किसी दूसरे के लिए प्रेरणा भी हो सकती है। तो इस तरीके की जागरूकता भी हमें लानी है कि आप पुनर्वास के माध्यम से समाज में जागरूकता लाइए, समाज के लोगों को ये बताइए कि अगर आप जागरूक हैं तो आप समाज की मुख्यधारा से अलग नहीं हो सकते हैं, आपकी जागरूकता न होने के कारण ही आप समस्या के कारण बनते हैं और वही समस्या आपको समाज से अलग करती है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं सर्विसेज के, कि हमें किस प्रकार से ऐसे कार्य करने हैं ताकि इन बच्चों को जो किसी भी समाज का एक व्यक्ति किसी भी कारण से अलग हुआ हो उसको कैसे हम समाज के लोगों के बीच में स्थापित करें और कैसे हो सकता है, ये तमाम तरीके के कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, तमाम तरीके के सहयोग देने पड़ेंगे, लेकिन क्या वो कार्यक्रम, वो सहयोग उन लोगों तक पहुंच पा रहा है, उन लोगों तक अपना कार्य स्थापित कर पा रहा है, उन लोगों के लिए क्रियान्वित हो पा रहा है, ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। और जब हम बात करते हैं कि और भी हम जो पुनर्वास कार्यक्रम चला रहे हैं, चाहे कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के बारे में जो हम सोच रहे हैं, उसका और उद्देश्य क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें
बहुत सारे एक ऐसे आइडियाज़ दीजिए, ऐसे अप्लायंसेस दीजिए, ऐसे एड्स दीजिए, ऐसे टेक्निक दीजिए, ताकि लोगों को उसके माध्यम से, जैसे अगर मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने दिव्यांगता मतलब आर्थोपेडिकली के कारण, अगर अस्थि विकलांगता के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग है, तो अगर आप वो चल नहीं पा रहा है, उसको एक चलने की कोई सामग्री आप दे देंगे तो अपने आप समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएगा, तो इसमें क्या गलत है? आप सोचिए कि हम केवल एक सहयोग मात्र दिए हैं और वो सहयोग उसको समाज में स्थापित कर रहा है, तो ये तो हमारे लिए बेहतर चीज है ना। तो हमें इस तरीके से बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा कि जो पुनर्वास कार्यक्रम चला रहे हैं, चाहे पुनर्वास जो हम करना चाह रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को हमें समझते हुए इस थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स पर भी आप नजर लगा सकते हैं कि कैसे कैसे, जैसे बैरियर फ्री एनवायरमेंट्स है, आप समाज को पूरी तरीके से स्थापित कर दिए, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति, वो समाज में रहने वाले लोग उसको उस तरीके से अपने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? वो जो स्वीकृति है वो आपको कहीं ना कहीं आपको अस्वीकृति को भी दर्शाती है कि हम, जैसे एक कहानी हमको याद है, जैसे हम लोग बचपन पढ़ते थे ना कि लोमड़ी और सारस की कहानी, तो भाई जो जिसमें वो भोजन प्राप्त कर सकता है, जिसमें भोजन ग्रहण कर सकता है, उसको उस लायक पात्र में दीजिए ना। आपने खीर तो बना दिया, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि वो किस रूप में ग्रहण कर पाएगा, उसके ग्रहण योग्य बनाइए, तब तो आप व्यवस्थित है। नहीं तो हमने तो खीर बना दिया है, हम तो रख दिए, खाई नहीं, तो हम क्या करें? नहीं, आपको ये भी देखना है कि उसके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, कैसे ये बाधाएं उसको दूर हो सकती है। अब लोमड़ी है तो उसको थाली में दीजिए, सारस है उसकी चोंच लंबी है तो उसको कुछ ऐसे पात्र में दीजिए ताकि वो चोंच से अपने खा पाए। तो ये मात्र एक उदाहरण के रूप में है कि आप इस तरीके की योजना आपको बनानी पड़ेगी, इस तरीके के कार्य करने पड़ेंगे, तब जाके पुनर्वास की जो प्रक्रिया है वो अपने सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। अदरवाइज हम लोग केवल पुनर्वास के बारे में बातचीत करेंगे और उसके पारे प्रकरण के सैद्धांतिक पहलू को जान तो लेंगे, लेकिन कभी व्यवहारिक पहलू पर बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो चीज़ें जहाँ की हैं वहीं रह जाएंगी। तो शायद हमें लगता है कि ये छोटे से जो पॉइंट्स हैं, इसके माध्यम से अगर आप जुड़ करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसके आखिर गोल क्या हो सकते हैं। अगर मैं पुनर्वास कार्यक्रम चला रहा हूँ, या पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय में एक जागरूकता ला रहा हूँ, समुदाय के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे कि इसके बाद समाज के लोगों में, समाज के रह रहे लोगों में, समाज के जो मानक बनाए गए उसमें क्या परिवर्तन आएगा। पॉइंट्स में देख सकते हैं कि उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, और यही जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आपके रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामाजिक रहन सहन वैसी स्वीकृति पर है जैसा समाज चाहता है, तो शायद उसको सामाजिक स्वीकृति ज़्यादा मिलेगी। एक व्यक्ति जो समाज में सबको स्वच्छता, साफ सफाई सबको पसंद है, एक स्वच्छ और साफ व्यक्ति अगर आपके पास आए, उसको कितनी स्वीकृति मिल रही है। और एक व्यक्ति साफ और स्वच्छ तो होना चाहता है लेकिन वो साफ और स्वच्छ होने में अक्षम है, तो हमें ऐसा क्या कर दें ताकि वो भी उस तरीके से आ जाए। आप निश्चित रूप से उसको आप स्वीकृति देंगे, ऐसा कोई वो नहीं है कि मानव को स्वीकृति ना दे, लेकिन मानव के द्वारा ही कुछ ऐसे कर्म कर दिए जाते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं ताकि उनमें ये एहसास करा देता है कि नहीं, अब आप अलग हैं। तो वो अलग का जो भाव है वो नहीं आना चाहिए, ये आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट करे कि आपका कैसे जीवन यापन बेहतर हो और कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर पाएँ। इसमें सबसे बड़ा जो गोल है वो इंडिविजुअल की फोकस करता है कि आपको उस प्रत्येक समूह को तो फोकस करना है, उस समूह में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके जीवन में कैसे सुधार हो। जब हम जीवन के सुधार की बात करते हैं ना, तो उसमें तमाम पहलू जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम एक चीज बोल दें, उसको आर्थिक रूप से मजबूत कर दें, उसको शैक्षिक रूप से मजबूत कर दें, उसको राजनीतिक रूप से मजबूत कर दें, नहीं, ये सब उसके एक पहलू है। लेकिन अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करेंगे तो शायद वो हमारी आवश्यकताएं अलग होती हैं। उस आवश्यकताओं में अगर हमारे रहने खाने और स्वतंत्र विचरण करने की अगर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं, तो निश्चित रूप से पुनर्वासित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन चीज़ों में बाधा है तो पुनर्वास की प्रक्रिया आती है कि नहीं, अब हम इनके लिए ऐसा क्या कर दें ताकि इनके जो व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। जो हम अगला देखते हैं कि वेलनेस एंड मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन, आपके जीवन में कल्याण होना चाहिए, आपके जीवन में उत्साह होना चाहिए, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि समस्याएं हो ही ना,
समस्याएं रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं को आप केवल इस रूप में देखिए, उस पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि हमारे नासमझी के कारण, हमारे जानकारी के अभाव के कारण, या हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं, इसके कारण हम अपनी लाइफ को उससे कॉम्प्लिकेटेड में फंसाए रहते हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं। जैसे आज के दौर में देखिए कि तकनीकी का कितना बड़ा रोल है। आप कोरोना से चाहे अन्य जो तमाम तरीके की व्याधियां आती हैं उसके आधार पर आप सीख सकते हैं कि ये आया लेकिन हमारा जो वार्तालाप का दौर है ये रोक नहीं पाया। समस्याएं थी कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, लेकिन तकनीकी ने इसको सुचारू कर दिया कि नहीं, आप अपने घर में बैठे बैठे हम लोगों के पास आ सकते हैं। शायद उसका एक उदाहरण आप खुद देख रहे हैं कि मैं आपसे दूर हूँ लेकिन आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और ये महसूस करा रहा है कि नहीं, हाँ आपके बीच में हूँ और आप हमारे बीच हैं। तो ये बातचीत हमारा निर्बाध गति से चल रहा है। तो हमें इस तरीके से भी सोचना है कि समस्याएं हैं लेकिन उन समस्याओं पर हम विजय किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं और कैसे प्राप्त कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। शायद ऐसा ही प्रकरण पुनर्वास के माध्यम से भी सोचा गया है। इसमें यह भी देखा गया है कि कैसे आप इन चीजों को डिग्री ऑफ फंक्शन एंड सेल्फ सफिशिएंसी और पॉसिबल, इसको देखिए कि मतलब कैसे एक व्यक्ति को पुनर्वास के माध्यम से ये जो क्षमता है विकसित हो रही है कैसे होगी। मैं केवल ये कह दूं कि नहीं ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, इस चीज़ों को ऐसे कर दीजिए, इन चीज़ों को इस तरीके से कर दीजिए, क्या हो जाएगी आप खुद सोचिएगा। एक चिंतन का प्रश्न है कि केवल ये कह देने से नहीं इस व्यक्ति को ये चीज़ दे दीजिए तो शायद इसका उद्धार हो जाए, नहीं हो सकता है। वो चीज़ उस व्यक्ति के लिए बेहतर हो सकता है लेकिन अगले व्यक्ति के लिए, सबसे बड़ी प्रश्न तब आता है कि ये तो दे दिया जाए लेकिन दे कैसे, क्या उसकी आर्थिक स्थिति इतना मजबूत है कि वो इस तरीके के संसाधनों का उपयोग कर सकता है या इस तरीके के संसाधनों के लिए वो तैयार है। खैर मान लीजिए कि अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बहुत सारे लोग मिल करके उसको ये संसाधन दे दिए, तब भी तो एक प्रश्न बनेगा कि ये इस संसाधन का उपयोग कैसे करेगा। मतलब हर एक स्टेप पर एक जिज्ञासा और एक समस्या दोनों विद्यमान है। अब आपको निर्धारित करना है कि आप उसको जिज्ञासा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं या समस्या के रूप में। आप इन चीज़ों को समझते बहुत आसान तरीके से स्मूथली अगर इन चीज़ों को समझते जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में पुनर्वास प्रक्रिया एकदम बेहतर प्रक्रिया है, शायद ये हर जगह होना चाहिए। लेकिन इसके क्रियान्वयन के तरीके इतने कॉम्प्लिकेटेड कर दिए जाते हैं कि लगता है कि यार ये पुनर्वास हो रहा है कि इसके कारण मैं और उपेक्षित होता चला जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बेहतर हो जाए लेकिन ये और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी हमें समझने की जरूरत है कि हम कैसे इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें कि भाई हमने गोल तो ये सब निर्धारित कर दिए लेकिन इस गोल के माध्यम से हमारे में परिवर्तन क्या आएगा और हम इसमें क्या अलग कर सकते हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। इसके जो प्रिंसिपल हैं, सारी चीज़ें आपने इसके डिफिनेशन देख लिए, आपने उसके ऑब्जेक्टिव देख लिए, आपने उसके गोल देख लिए कि आप कोई भी सिद्धांत, कोई भी प्रकरण बनाते हैं तो उसके मतलब क्या है, आप पुनर्वास के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर पुनर्वास हम कर देंगे तो उसमें किस तरीके का परिवर्तन आ जाएगा, कैसे उस व्यक्ति को हम सामाजिक स्वीकृति की, जब मैं बार बार आपको जिक्र करा रहा हूँ कि सामाजिक स्वीकृति तो किस प्रकार की सामाजिक स्वीकृति की आप बात कर रहे हैं। शायद इस सिद्धांत के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि जो हमारे प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं लेकिन उसमें से जो की पॉइंट्स मैं निकालना चाह रहा हूँ कि आप प्रिंसिपल के रूप में देख सकते हैं इंक्लूजन, पार्टिसिपेशन, सेल्फ एडवोकेसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी और सस्टेनेबिलिटी। ये कुछ थोड़े सिद्धांत हैं लेकिन जब इसको हम और आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि नहीं इसके माध्यम से आप लोगों को क्या देना चाह रहे हैं, तो हम उनको ये देना चाह रहे हैं, हमारी जो मंशा है, हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के माध्यम से जो मंशा बना है, हम वो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हेल्थ के रूप में मजबूत हो। हेल्थ में कैसे मजबूत होगा, अब देखिए कि सबसे पहले तो उसको प्रमोट करिए कि अगर आप अपने हेल्थ के कारण समाज की मुख्यधारा से अलग हैं या समाज से अलग हैं या लोगों से अलग हैं तो आप उसको कैसे देखेंगे। आप उसको प्रमोट करिए कि आप सही हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जितनी हमारी शारीरिक समस्या होती है ना किसी विकरण में चाहे व्याधि में, उतनी हमारी मानसिक समस्या होती है। जैसे कोरोना था, एक समय ऐसा लगा कि अरे यार लोगों को छूना दूभर हो गया, मैं छू दिया तो दिमाग में तुरंत प्रेशर आता था कि अरे यार मैं तो उसको छू दिया हूँ, अब मुझे जाकर तुरंत सैनिटाइजर ये वो तमाम तरीके के कार्यक्रम करने हैं। लेकिन अगर मुझे मानसिक रूप से मजबूत कर दिया कि नहीं मेरे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत है कि इन चीज़ों को तो मैं ऐसे ही पार कर सकता हूँ,
तो शायद वो हमारे हेल्थ को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया, सबसे ज़्यादा प्रभावित उन्हीं को किया जो मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए, जो लोगों को देख करके कमज़ोर हो गए कि यार ये तो व्यक्ति इतना बेहतर था, इतना मजबूत था और ये हो गया, मैं तो इसके सामने कुछ नहीं हूँ। नहीं, हर व्यक्ति में क्षमताएं विद्यमान हैं, उस क्षमता के उपयोग करने की क्षमता क्या है ये निर्भर करता है आपके स्वास्थ्य का निर्धारण, कि कैसे एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर के कितना जागरूक है, उसको प्रिवेंट करने की जरूरत है, उसको मेडिकल केयर की जरूरत है। मान लेते हैं वो कहता है कि नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा, उसको संरक्षित करिए कि नहीं तुम होगी क्यों नहीं, ऐसा क्या समस्या जो नहीं हो सकता है। समस्याएं अगर हैं तो उसके समाधान भी विद्यमान हैं, हमें इस तरीके की भी जागरूकता लोगों के बीच लानी है। कोई ऐसी चीज़ें हमें जागरूक नहीं है, हम उसके बारे में नहीं जानते, ये अलग प्रश्न है, लेकिन इसका समाधान है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। पृथ्वी पर अगर मैं विद्यमान हूँ तो समस्याएं मेरे साथ हैं और समाधान भी मेरे साथ हैं, बस हमें अपने गर्दन को घुमाने की ज़रूरत है कि हम समस्या की तरफ देख रहे हैं या समाधान की ओर। तो आप इस तरीके से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में देखते जाएंगे तो मेडिकल केयर करिए, बहुत सारे मेडिकल हैं, आपका स्वास्थ्य ऐसा नहीं तो ये मेडिसिन नहीं काम कर रहा है, वो मेडिसिन काम कर रहा है, वो मेडिसिन नहीं, वो मेडिसिन का आप तमाम उसमें लगे रहिए, प्रयोग करते रहिए, उससे नहीं हो रहा है तो अब लग गया कि नहीं इसका हेल्थ है, हेल्थ के कारण वो समाज की मुख्य धारा से अलग है, तो आप उसको रिहेबिलिटेट करिए। ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना दीजिए कि नहीं ये ग्रुप है, लेकिन देखिए तुरंत एक प्रश्न बनेगा आप में कि अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसे लोगों का एक समूह बना दीजिए तब भी तो वो समाज से अलग हो गए, नहीं, हमें इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि इसकी सामाजिक स्वीकृति कैसी हो रही है, क्या आप उसको एक बीमारी के रूप में अलग कर रहे हैं या बीमार हुए लोगों के कारण उसको अलग कर रहे हैं, या उसको एक ऐसा समूह दे दिए कि वो लोग आपस में मिल करके खुश रहें, हमें ये निश्चित करना पड़ेगा। ऐसा कोई दवा नहीं बनाया कि आप मुझे दे देंगे और मैं खा लूँगा और उस तरीके की मेरी सोच परिवर्तित हो जाएगी, नहीं, हमें उस तरीके से उस कार्य के कारण हमें आगे देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे इन चीज़ों को बेहतर कर पाए। जब नहीं हो पा रहा है तो लगा कि नहीं यार अब इसको किसी असिस्टिव डिवाइस के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, असिस्टिव डिवाइस दे दीजिए, उसको सहयोग दे दीजिए कि नहीं वो ये काम नहीं कर पा रहा है, चाहे इस अगर ये कोई उसको साधन दे दिया जाए तो उस साधन के द्वारा वो अपने आप को सक्षम बना लेगा, तो ये भी बेस्ट है, कोई अलग नहीं है। तो आप ये जो प्रिंसिपल छोटे छोटे बना रखे ना, जैसे एजुकेशन में बात करूँ तो अब एजुकेशन की जैसे बारी आती है, आप निश्चित रूप से बीएड स्पेशल एजुकेशन के छात्र होंगे या कोई भी होंगे, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप ये चाहते हैं कि हम एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है, आप खुद भी सोचिएगा कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे अंदर किस तरीके के चेंजेज आते हैं, हम किसको शिक्षा मानते हैं और कैसे कैसे लोगों तक शिक्षा पहुँचती है। आप अपने समाज में रह करके समाज के लोगों से बातचीत करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे एक सामाजिक व्यक्ति एक स्वस्थ और हर्षपुष्ट बच्चे को स्कूल भेजता है और एक किसी भी तरीके से ज्ञानेंद्रीय हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, किसी तरीके की व्याधि के कारण जो बच्चा उसको कैसे स्कूल भेजा जाता है, आप निश्चित रूप से ये देख रहे होंगे, आप अपने समाज में भी लोगों के द्वारा सीख रहे होंगे कि कैसे हमें अलगाव कर दिया जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और हम समाज से अलग हो जाते हैं, तमाम तरीके के नामकरण कर दिए जाते हैं, उस नामकरण में भी एक पहचान दे दी जाती है, क्यों, बहुत बड़ा प्रश्न बनता है क्यों, शायद हमारी परवरिश ही वैसी हुई हो, हम उसके हट करके सोच भी नहीं पाते हों, वो हमारी गलती नहीं है, हमें जैसा भरण पोषण जैसा वातावरण दिया गया हम उस तरीके को फॉलो कर लिए, लेकिन क्या इन बच्चों को चाहे समाज में ऐसे लोगों को भी इस तरीके की स्वीकृति मिली, हमें ये सोचना है, हमें ये देखना है कि नहीं अगर इनको नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, तो उसका एक पहलू हो सकता है कि ये शिक्षित नहीं, ये चीज़ें नहीं कर पाएगा, ये नहीं देख पाएगा। आज आप देखिए कि जो कभी स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा आज वो एंड्रॉयड मोबाइल चला रहा है, आप बोलेंगे वो अशिक्षित है, आप खुद सोचिएगा, हमें उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी दे दी गई कि वो उसको कोई चार दीवारी में जो शिक्षा दे रही है उससे मतलब नहीं रहा, अब हमें उस शिक्षा के व्यवहारात्मक पहलू कितने हैं उससे मतलब हो गया। आज कहीं भी आप देखेंगे हर व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, हिंदी में नहीं इंग्लिश में चला रहा है, आप खुद पे देखिएगा। तो आप ये बताइए कि वो तो कभी स्कूल नहीं गया, वो तो स्कूल के ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, लेकिन वो सारी चीज़ें आपका कर रहा है, कैसे कर रहा है, शायद हमें उसकी पहुँच उस तरीके की बनानी पड़ेगी कि नहीं आप अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ठीक है, आपके पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं, हमें शिक्षा को उनके तक पहुँचा दीजिए ना,
अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं शिक्षित होना चाह रहा हूँ, तो आप उस तरीके से उसको ट्रेंड करिए कि नहीं कोई बात नहीं, आप अपने घर में रहिए, लेकिन अगर आप शिक्षा के माध्यम से अपने आप को मजबूत बनाना चाह रहे हैं तो ये रही शिक्षा आपका अपने द्वार पर, आपके अपने स्क्रीन पर। तो हमें इस तरीके की भी एक्सेसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, तब हम कह पाएंगे कि नहीं हाँ ये व्यक्ति अब शैक्षिक रूप से वंचित नहीं है, शिक्षा अब इसके तक पहुँच रही है, अब उसको व्यवहार रूप में कैसे लाएँ। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण स्टीफन हॉकिंस का देख सकते हैं, अगर हम केवल उनके शारीरिक वैधता को ही ध्यान में रखते तो शायद आज हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में वो बहुत बड़ा जो ज्ञान उन्होंने दे रखता है हिस्ट्री ऑफ टाइम का, शायद वो नहीं होता। तो हमें ऐसे पहचान की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और इस तरीके से उसको समझने की ज़रूरत है कि अगर हमको शिक्षित कर रहे हैं तो कैसे कैसे लेवल पर ले जा कर के शिक्षित करें, और कैसे उनके लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की हम बात करें। ऐसा नहीं कि हम पाँचवीं क्लास पढ़ा दिए, आठवीं क्लास पढ़ा दिए, बारहवीं पढ़ा दिए, हायर एजुकेशन दे दिए, हमारा काम खत्म। नहीं, आप उनको समझाइए और उनको बताइए कि अगर आप शिक्षित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और यही व्यवहार में परिवर्तन ही आपको समाज में स्वीकृति प्रदान करेगा। सामाजिक प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है कि आपको एक पहलू पकड़े और उससे अपना दौड़ लगा दिए। नहीं, अगर आप इसी के माध्यम से आप बातचीत करेंगे कि इसका लाइफ स्टाइल कैसा हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा, वो उसकी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आ जाएगा। आप देखेंगे कि एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित, मैं केवल यहाँ पर व्यवहारिक पहलू की मैं बात कर रहा हूँ, सिद्धांत रूप में जो बनाया गया है कि ये शिक्षित है और ये अशिक्षित है, दोनों के कार्यशैली में अंतर हो सकता है लेकिन क्षमता में नहीं। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी आप में सब में क्षमताएँ विद्यमान हैं, अब बस उपयोग करने के तरीके बदल जाएंगे। एक व्यक्ति स्मार्ट होता है और एक व्यक्ति स्मार्ट वर्क करता है, बस यही अंतर आएगा कि आप किसको तहजीब दे रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं। आज सबको एकदम तुरंत क्विक रिस्पांस आता है कि मैं जैसे ही बोलूं सारी चीज़ें मेरे पास आ जाए, तो उस तरीके का ये नहीं कि व्यक्ति स्मार्ट है तो वो उसके साथ पूरा ज्ञान भरा हुआ है, इसका स्मार्ट वर्क ही उसको बताएगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं किसी रूप में हमसे अलग है। हमसे अलग किस रूप में है, उसके व्यवहार में प्रदर्शित होगा। तो ये चीज़ हमें समझने की जरूरत है कि अगर मैं पुनर्वास के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूँ कि नहीं, पुनर्वास के माध्यम में और जब हम किए तब क्या परिवर्तन है, और जब हम इसको पुनर्वासित नहीं किए थे तब क्या परिवर्तन था, आप निश्चित रूप से खुद देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ जब पुनर्वास की प्रक्रिया नहीं हुई थी तो व्यक्ति ऐसा था, आज पुनर्वास के बाद व्यक्ति ऐसा हो गया। तो ये जो परिवर्तन है दोनों के बीच का जो गैप है, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे सोचें कि ये ऐसे हो सकता है और ऐसे नहीं हो सकता है। इन चीज़ों को जब हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी सामाजिक स्वीकृति कैसी हो रही है। उसकी सामाजिक स्वीकृति पर आप जब कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि वास्तव में एक व्यक्ति को पुनर्वास की कितनी ज़रूरत है। आप कभी महसूस करिएगा कि जैसे छोटे क्लासरूम में बहुत बड़ी समस्या होती है कि अगर कोई सारे बच्चों का एक ग्रुप बना होता है और वो ग्रुप निश्चित रूप से उनके सीखने और समझने की प्रक्रिया को मजबूत करता है, लेकिन वो ग्रुप कैसे एक गुट का रूप धारण कर लेता है हम आप समझ नहीं पाते हैं। शायद हमें इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि उसमें किसी एक दूसरे बच्चे की एंट्री देना मतलब जैसा लगता है कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया, चाहे उसने कितना बड़ा एक ऐसा गलती कर दी कि तुम इधर कैसे चले आए। तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चों का एक ग्रुप है उसमें हमें सोचने की ज़रूरत है कि एक जो बच्चा चार लोग को तो स्वीकृति दे रहा है लेकिन एक बच्चे को स्वीकृति नहीं दे रहा है, तो हम उसके कारण को जानने की ज़रूरत है कि वो क्या कारण है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्या वो उस लायक हष्टपुष्ट नहीं है, क्या उससे उसके जैसा पढ़ने में तेज नहीं है, क्या उसके जैसा गणित नहीं लगा पा रहा है, क्या उसके जैसा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, क्या वो उस कम्युनिटी का नहीं है, क्या वो उस धर्म का नहीं है। बहुत सारे प्रकरण है जिस पे आप केवल बहस कर सकते हैं, जिसका कोई तथ्यात्मक रूप आपके पास नहीं आएगा, लेकिन वही बहसबाजी ही कैसे लोगों को बाधा डालती है ये सोचने की ज़रूरत है कि आप समाज में तो चले जाते हैं कि नहीं अब तो मैं हो गया हूँ, लेकिन समाज आपको किस रूप में स्वीकार कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है। और यही काम रिहेबिलिटेशन के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है कि समाज में अगर आप चले तो गए लेकिन सामाजिक स्वीकृति नहीं है, तो यही रिहेबिलिटेटर वर्क जाकर के देखते हैं कि आपको किस रूप में समाज में स्वीकृति नहीं है, चाहे समाज आपको क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है। आपको ये जब पता चल जाएगा तो शायद हम उस तरीके का व्यवहार, उस तरीके के सहयोग, उस तरीके के कार्य जब हम करा देते हैं तो हमें लगता है कि हाँ अब आप सामाजिक रूप से स्वतंत्र हैं, अब आप समाज में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसे एक सामान्य व्यक्ति कर रहा है, तो निश्चित रूप से एकदम सामान्य जीवन हो जाएगा।
तो ये सब समस्याएं नहीं रहेंगी। समस्याएं रहेंगी तो किस रूप में रहेंगी, कि वो सबकी समस्याएं होंगी, और उन सबकी समस्याओं में जब सब कोई मिल करके प्रयास करता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लेकिन कभी कभी कुछ प्रकरण में व्यक्ति अकेला हो जाता है, तो उसमें क्या करे, उसमें न कोई व्यक्ति उसके पास जाना चाहता है, न उसका कोई सहयोग करना चाहता है। तो हमें इस रूप को समझने की जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के कारण, चाहे किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे किसी व्यक्ति के रूप में अगर आप इस समस्या से उलझे हुए हैं, चाहे प्रताड़ित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको पुनर्वास की प्रक्रिया में आना पड़ेगा, पुनर्वास कर्मी से बात करनी पड़ेगी, पुनर्वास की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें हम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बात आती है कि आप आर्थिक रूप से कितना मजबूत हैं। भाई सब कोई चाहता है कि मैं आर्थिक रूप से इतना संपन्न रहूं कि अपनी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति स्वयं कर लूं, लेकिन कैसे करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। ये आजकल की युवा पीढ़ी कहें या फिर तमाम ऐसे जनसंख्या हमारे पास विद्यमान है जो हर दिन सुबह यही प्रश्न रहता है कि मैं करूं क्या, और शाम को फिर वही भोजन के बाद सोचते हुए सो जाती है कि यार कल मैं करूंगा क्या। मतलब ये छोटा प्रश्न ही है, हमें आपको समझने की जरूरत है कि भाई अगर इस तरीके की समस्या है तो हम उनके लिए ऐसा क्या करें। तो हम कोशिश करते हैं, अगर एक जनरल अनौपचारिक तरीके से जब हम परामर्श देते हैं तो हम कहते हैं अरे कोई रोजगार धंधा क्यों नहीं कर रहे हो, हम तो कह देते हैं बहुत आसानी से रोजगार धंधा करो, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे तो करेगा कैसे वो, न उसके पास कोई स्किल है, न अर्थ है, न किसी तरीके का जगह है, न किसी तरीके का आइडिया है, वो कौन देगा। आप उसको उस तरीके से पहले पोषित तो करिए कि नहीं तुम ये काम करो, तुम इस लायक हो, उनको लगता है तुम ये काम कर लोगे, करो और कर लोगे, ये दोनों शब्द व्यक्ति को कैसे मजबूती देता है आप समझिएगा, कि तुम करो और कर लोगे वो जो शब्द है वो रिहेबिलिटेशन में आता है कि नहीं तुम ये काम कर सकते हो। अगर व्यक्ति थोड़ा प्रयास करता है तो निश्चित रूप से कर लेता है, और तमाम उदाहरण आपके पास विद्यमान है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि समय का भी अभाव है मेरे पास। तो इस तरीके से भी चीज़ों को समझना पड़ेगा हमें कि हम चीज़ों तो सब करना चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति ऐसा ही महान बन जाए, लेकिन बनेगा कैसे, ये बड़ा प्रश्न है। उस प्रश्न पर हम इस माध्यम से अगर सोचें तो उसको कम्युनिकेशन में, सोशल में, पॉलिटिकल में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तमाम इस तरीके जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन चीज़ों के माध्यम से आप अपने काम को समझ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ इसमें से कोई समझ में ना आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, निश्चित रूप से मैं आपको उसी माध्यम से आपसे वार्तालाप कर लूँगा। लेकिन समय के अभाव में अगर इन चीज़ों को देखेंगे आप कि नहीं समाज में जो ये चीज़ें हैं वो हो तो कैसे रही है और हम चाहते क्या हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। तो अब इसके अगले पहलू पर देखते हैं कि ये तमाम बातें तो हमने कर लिया, लेकिन ये करेंगे कैसे, ये बड़ा प्रश्न बनेगा कि सर आपने तो अभी इतनी महान बातें कर ली, इतने बड़े बड़े सब कुछ कर लिए, लेकिन ये होगा कैसे, हम करेंगे कैसे। तो एकदम सिंपल प्रक्रिया, आसान प्रक्रिया अपनाइएगा, मैं छोटे से पॉइंट में लिखा हूँ इसको, लेकिन आप इसमें और भी इसमें अपने इनपुट डाल सकते हैं। आप सबसे पहले एक कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी में ऐसे लोगों का एक समूह इकट्ठा करिए। पहले आप ये देखिए कि कैसे कोई व्यक्ति इस रूप से अलग है, क्यों अलग है। तो जब आप क्यों अलग है, कैसे अलग है, इसकी जब पहचान कर लेंगे तो आपके पास एक संख्या निश्चित हो जाएगी कि अच्छा इतने व्यक्ति इस कारण से अलग हैं। तो आप उसको डायग्नोस आप करेंगे क्या कारण है, अगर उस कारण को आप पहचान लिए तो आपके पास एक अच्छा खासा ग्रुप आ गया कि ये जो व्यक्ति है इस कारण से अलग है। तो अब हम ऐसा क्या कर दें कि वो व्यक्ति उस समाज में जुड़ जाए, उसके प्रति हम क्या हस्तक्षेप करें। तो जो आप हस्तक्षेप करते हैं उसको कोई ना कोई साधन आप देंगे, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था देंगे, कोई न कोई ऐसा रूप आप देंगे, कोई न कोई एक ऐसा उसके साथ कार्य करेंगे ताकि वो अपने आप को सक्षम महसूस करे। वही सक्षमता हमें देने की जरूरत है कि जब इंटरवेंशन हम कर लेते हैं तो उसको एग्जांपलाइजेस दे देते हैं, जब वो समाज में पहले रन करने लायक हो जाए, गतिशील हो जाए, तब हम उसको शिक्षित करने की प्रयास करेंगे। क्या शिक्षा सबको दे देंगे हम, नहीं, हमें फिर उसमें कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति शिक्षा के लायक है, कौन व्यक्ति व्यवसाय के लायक है और कौन व्यक्ति दोनों के लायक नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे कि सर इसका कुछ नहीं हो सकता, नहीं, जिसका कुछ नहीं हो सकता वही तो आपको करना है, जो सब कुछ आसानी से हो जाए तो उसमें आपका क्या योगदान, जो चीज नहीं हो रहा है उसमें आपको सोचने की जरूरत है कि सर इसको मैं कैसे करूंगा।
तो जब हम स्कूलिंग देते हैं तो सबसे पहले आप कैटेगराइज कर लीजिए कि अगर वो स्कूलिंग एज में है तो उसको स्कूल भेजिए, अगर वो व्यावसायिक उम्र में है व्यवसाय में भेजिए, अगर वो व्यावसायिक और स्कूलिंग दोनों को पार कर चुका है तो उसको किसी इस रूप में ढाल दीजिए ताकि वो उसकी जो क्षमता है उसके रूप में उपयोग हो जाए। और इतना करने के बाद आप उसको फॉलो अप करते रहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक व्यक्ति को उठाया और इतना सब कुछ कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया, पुनः फिर वहीं चला जाएगा वो, फिर वही प्रश्न आएगा कि अरे भी तो मैंने किया था फिर वही चला गया। नहीं, जैसे हम लोग भोजन कर लेते हैं तो होता है ना कि घर द्वार साफ सुथरा करके फिर हम रहना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि घर साफ कर दिया घर से बाहर रहने लगे। क्यों घर में नहीं जाओगे भाई? घर मैंने साफ कर दिया है तो साफ कर दिया तो रहने के लिए ना। नहीं नहीं साफ कर जाऊंगा तो गंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको पुनः उसमें जाना है फिर वह सारी चीज़ों करना है। जो अपने काम आप पुनः करते हैं और चीज़ों को खुद व्यवस्थित करते हैं तो आपको इस रूप में इस प्रक्रिया को सोचना पड़ेगा कि हम जब उसके इंटेक से लेकर के फॉलो अप तक ये जो पूरी प्रक्रिया हमने अपना रखी है उस सारी प्रक्रिया में अगर कहीं कोई व्यवधान आ रहा हो, कोई रुकावट आ रही हो तो उस रुकावट व्यवधान को हमें निश्चित रूप से आसानी से दूर करना है। और जब ये प्रोसेस हो जाए तो आपको ये भी देखना है कि कैसे ये प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये कैसे आ रही है, आपको ये सोचने की जरूरत है। जो पुनर्वास के माध्यम से आप क्या चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि पुनर्वास के बाद जो हम कर रहे थे उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको पुनर्वास करने की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए स्क्रीन पर सारी एक उसके छोटे पहलू को मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। आप इसको खोलेंगे चाहे उसके तह में जाएंगे तो शायद एक लाइक ओनियन आएगा। आप प्याज की जितनी परत खोलेंगे शायद एक नया परत उसके अंदर बना हुआ है। उस परत के माध्यम से आपको अपने ज्ञान में विस्तार करना है, अपनी क्षमता में विस्तार करना है कि कैसे इन चीज़ों को हम व्यवस्थित करें और कैसे इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो जब हम देखते हैं तो इंडिविजुअल सेंटर हो सकता है, आप किसी एक व्यक्ति पर फोकस कर सकते हैं, आप किसी एक समाज पर फोकस कर सकते हैं, या फिर आप किसी एक फंक्शनल एबिलिटी पर फोकस कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें हैं जो आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, आप इसमें किसी भी रूप में आप कर सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी रूप में समाज की मुख्यधारा से, समाज से या समाज के लोगों से या समाज में जो स्वीकृति है उससे या समाज के मानकानुरूप अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा है उसके लिए आपको काम करना है। ये आपके रिहैबिलिटेशन के की पॉइंट्स हैं। इसमें हम और देखते हैं आगे चल के कि रिहैबिलिटेशन टीम हम कैसे बनाएं, कौन हो सकता है कि जो हमें रिहैबिलिटेशन के लिए उत्साहित कर सकता है, हमें प्रेरित कर सकता है, रिहैबिलिटेशन के लिए कार्य कर सकता है। आप तमाम तरीके की टीम बना सकते हैं, अपने हम उम्र बना सकते हैं अपने से बड़े छोटों को बना सकते हैं या अपने समुदाय के बाहर भी जाकर के लोगों को जोड़ करके बना सकते हैं। तमाम ऐसे आप टीम बनाइए और उस टीम में किस तरीके की समस्या है, किसका सहयोग मुझे प्राप्त करना है और किससे मैं सहयोग ले सकता हूँ या किसका सहयोग पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आपको ये सारे पहलू पर फोकस करना है। तब जाकर के आपको देखना है कि हाँ ये जो हमारी टीम है अब व्यवस्थित है। ये जो पूरी टीम आपको दिख रही है ना, ये निश्चित रूप से एक व्यक्ति के लिए, समाज में रहने वाले लोगों के लिए स्थापित करने में अपना योगदान दे सकती है, लेकिन वो तभी दे सकती है जब आप सहयोग करेंगे। और यही सहयोग हमें आगे ले जा करके एक टीम के रूप में बताता है। आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कैसे आपकी टीम में कौन कौन हो सकता है। अगर मैं केवल फोकस दिव्यांगता पर करूँ या उसके ज्ञानेंद्रीय दिव्यांगता पर करूँ तो उसमें साइकेट्रिस्ट हो सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, स्पीच थेरेपिस्ट हो सकता है, आप उसमें और भी देख सकते हैं वोकेशनल काउंसलर हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो जिस रूप में जिसकी समस्या है उसको उस रूप में उसको आपने स्वीकृति दीजिए, उस रूप में आप उसको स्वीकारित करिए कि नहीं आपकी ये प्रॉब्लम है इसको ऐसे दूर किया जा सकता है, आप में ये समस्या है आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपके पास ये समस्या है आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, आपके पास ये प्रॉब्लम है आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। तमाम मतलब ये सारे लोग मिल करके एक कलेक्टिव प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति है कि अच्छा इसमें इसी की जरूरत, नहीं, जितना हमारे लिए फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है उतना हमारे पास वोकेशनल काउंसलर की जरूरत है। भाई अगर किसी व्यक्ति को हम खूब क्षमतावान बना दिए, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में सोचूं कि मैं एक पहलवान को खूब एकदम मजबूत बना दिया, कभी उसको अखाड़े में भेजा ही नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि नहीं तुम पहलवान हो। तो आपको उसकी क्षमता को भी बार बार आकलन करने की जरूरत है कि नहीं जिस तरीके का मैं उससे क्षमता विद्यमान करा रहा हूं, चाहे जिस तरीके से मैं उसे तैयार कर रहा हूं, क्या उस समाज में उस लायक वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, हमें यह भी देखना है। ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ कर दिया सर हमारा काम हो गया, हमने तो ये भी कर दिया, हमने तो ये भी कर दिया,
तो भाई उसके में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? जैसे एक हम लोग हॉस्टल लाइफ में रहे हैं तो बार बार ये प्रश्न बनता है कि शाम को खाना कौन बनाएगा। तो ये नहीं कि खाना कौन बनाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भूखे सोता था, सब बनाते थे और सब खाते थे, लेकिन उसके पहले की जो प्रक्रिया थी कि कोई ये कर दे, कोई ये कर दे, कोई ये कर दे, कोई ये कर दे, और एक व्यक्ति पूरे उसको कलेक्टिव कर दे, बन जाता था। आपको इस तरीके से सोचने की जरूरत है कि छोटा ही प्रयास आपको उसको पूरा करने में सहयोग दे देगा, और वो छोटा प्रयास कम नहीं होता है। आप अपने घरेलू जीवन से भी जोड़ करके देख सकते हैं तो हर व्यक्ति का छोटा प्रयास एक व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करेगा, और वो पूर्णता किस प्रकार की होगी ये निश्चित रूप से आपको तय करेगा कि नहीं, आप एक ऐसे व्यक्ति को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं जो समाज में अपनी खुद पहचान स्थापित करेगा, और वो पहचान निश्चित रूप से आपके कार्य के व्यवहार में दिखेगा कि नहीं, आप कैसे इन चीज़ों को कर पा रहे हैं और कैसे इन चीज़ों को करना चाहिए। कितने लोगों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, आप बस चीज़ों को व्यवस्थित करना सीख जाइए कि नहीं हाँ ये है तो इसको हम इस तरीके से करेंगे और इसको ऐसे होना चाहिए, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। और इसके बाद जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि भाई इसमें क्या स्कोप क्या है, भाई हमने तो ये कर दिया, सारी चीज़ें हमने कर दी, लेकिन क्या हो सकता है? आपको अगर दो तीन पॉइंट में बताऊं तो जो कहते हैं ना कि एक कूड़े की वस्तु से आप एक क्रिएटिव वस्तु बना दिए, वो है रिहैबिलिटेशन, जिसको कोई स्वीकृति नहीं, जिसको कोई नहीं मान रहा है, आज उसको दुनिया पूजने लगेगी। तमाम उदाहरण आपके बीच उपलब्ध हैं, हम उदाहरणों पर नहीं जाएंगे। जिसको कोई ये कह दिया ना कि ये किसी काम का नहीं है, वही काम का होता है। हम जब कह देते ना कि ये किसी काम का नहीं, तो शायद हमारी क्षमता ही नहीं होती कि हम उसकी क्षमता को पहचान पाएं। तो हमारे लिए सबसे आसान काम होता है कि उसको ये एक चादर ओढ़ा देना, तुम किसी काम के नहीं हो, आसान होता है कहना, लेकिन तुम बहुत काम के हो ये कहना बहुत कठिन है। जैसे मैंने लिखा है ना, यूजलेसनेस से यूजफुलनेस, आप किसी काम के नहीं लेकिन काम के हो गए, ये इंपॉर्टेंस है, ये स्कोप है रिहैबिलिटेशन का। तब आप कहेंगे कि हाँ, हमने जिसको लोग कहते थे कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकता, आज वही ये काम कर रहा है। आप महसूस करिएगा कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया। जो लोग कहते हैं ना कि कोई आशा की किरण नहीं है, होपलेसनेस से होपफुलनेस, जिसमें कोई आशा की किरण नहीं है, आप उसको एक आशा की किरण दे दीजिए, देखिए आपको महसूस होगा कि हाँ आपने बेहतर काम किया है। जिसके पास लगे ना कि अब वो खो गया, डिसअपीयर से हैप्पीनेस, आप महसूस करिए कि जिस व्यक्ति की पहचान खो गई हो, जिस व्यक्ति को केवल उसके एक समस्या के कारण समाज से बाहर कर दिया गया हो, अगर वो व्यक्ति बोले कि नहीं अब मेरी ये जो क्षमता बची है इसका तो उपयोग कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंस है रिहैबिलिटेशन का। अगर आप, मैं पहले नाम लिया था स्टीफन हॉकिंस का, अगर उनकी शारीरिक समस्या को अगर हम लोग केवल फोकस कर दिए होते तो शायद आज एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हिस्ट्री ऑफ टाइम्स हमारे बीच नहीं होता। इसलिए कि उन्होंने अपने खुद के क्षमता के दम पर, मैं थोड़ा सा इनको पढ़ पाया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी अध्ययन जारी है, कि वो उन्होंने ऐसा चेयर बना रखा था कि उनका कोई अंग काम नहीं करता था, लेकिन वो अपने आँख से जिधर देख लेते तो चेयर उधर घूम जाता था, जो वो काम करना चाहते थे उधर चला जाता था। तो इतनी सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि कोई उनको करके दिया, उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढाल लिया कि हमारे में ये समस्या है तो इन समस्या को समाधान मैं खुद दूँ, और मुझे इस समस्या का समाधान ऐसे करना है। तब जाकर के उन्होंने अपने केवल क्षमता को प्रदर्शित किया, और क्षमता कभी उनके बाधा नहीं बना। तो हमें इसको भी देखना है कि कैसे इस व्यक्ति को कैसे यहाँ से वहाँ पहुँचाना है। जब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई तो हम कैसे इन चीज़ों को महसूस करें। आप देखिएगा कि अभी जितने तमाम लेक्चर हमने माध्यम से जो आपके बीच पहुँचना चाह रहा था, वो आप देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स हमने बातचीत तो कर ली, लेकिन ये होगा कैसे, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरे इस वीडियो लेक्चर का एंजॉय किए होंगे, और निश्चित रूप से कुछ ऐसे पहलू होंगे जो आपको प्रश्न के रूप में उद्वेलित कर रहे होंगे। मेरा प्रयास भी यही था कि इस माध्यम से आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न बने, उस प्रश्न के उत्तर तो या फिर मैं आपसे प्रत्यक्ष मिल करके दे सकता हूँ, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, हम आपके बीच पुनः उसी माध्यम से जुड़ जाएंगे कि नहीं ये समस्या है तो इसका समाधान क्या हो सकता है। हम लोग मिल के प्रयास करेंगे, और शायद हमारा कलेक्टिव प्रयास ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।